भगवान, इतना घर गंदा हो चुका है। कल मेरे फ्रेंड्स आए थे, पार्टी करके चले गए। हेल्प तो उन्हें करना नहीं था, अब काम सब मुझे करना पड़ेगा। मैंने मेरा क्लीनिंग सेट कहाँ रखा था? अच्छा, यहाँ पे ही है। चलो जल्दी से क्लीनिंग करते हैं घर का। इसको भी मैंने बहुत दिन से नहीं निकाला था, इसका भी काम हो जाएगा। अरे हाँ, चलो ये तो मिल गया, इसको जल्दी से बाल्टी में डालती हूँ। चलो डाल तो दिया, जल्दी से मुझे क्लीन करना पड़ेगा। अगर मम्मा को पता चल गया ना तो किससे भी नहीं छोड़ेगी मुझे। या तो मस्त अपना मस्त मजा करके चले गई। चलो चलो पानी डाल के पोंछते हैं। अरे मेरे पास तो ये है ना। चलो अच्छा हो गया, क्लीनिंग तो हो चुका है जितना होना चाहिए। हाँ अब जल्दी से बर्तन भी धो देते हैं किचन का। मैं इसको जाके उधर रख देती हूँ। बर्तन धोते हैं। अरे यार मेरा तो बेसिन पूरा गंदा का गंदा रह गया। कब मेरे पास अच्छा बेसिन रहेगा, कब मैं अपने बर्तन अच्छे से धो पाऊंगी? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ये किचन का यूटेंसिल्स का स्टोर रूम बना दिया है। तो पहले जल्दी से इसको निकालती हूँ। नकली पैसे, ये रिया का ही काम होगा। असली पैसे तो उसे देना नहीं है तो नकली पकड़ा के चली गई। हाँ। ओ बेचारा मेरा डिस्पेंसर, कल पार्टी शार्टी करके इन्होंने ये भी तोड़ दिया। मेरा डिस्पेंसर भी तोड़ दिया इन्होंने। काश ये ठीक हो जाए, फिर इसे भी जल्दी बाद में ठीक कर लूंगी। ये बात मिस का नहीं है तो टेंशन। और ये है मेरा शेफ का क्लॉथ। अभी तो मैं जॉब में नहीं जाने वाली हूँ तो इसको मैं इधर ही रख लेती हूँ। डीलर बन तो है ना भाई, नहीं तो ये ऑन हो जाएगा और मेरा पूरा जल जाएगा ड्रेस। और नकली पैसे कोई काम के नहीं है। मिक्सी को इधर रख देते हैं। ये क्या कर रहा है? ये तो सैलून के लिए है। नहीं नहीं अभी मेकअप किया है। और ये वो पानी को नहीं पता नहीं कहाँ रखना है। अब मुझे बेसिन चेंज ही करना पड़ेगा, कितना गंदा हो गया ये। पर सुहानी तू इसे अगर निकाल लेगी तो इसकी जगह कहाँ क्या रखेगी? आइडिया, पापा को जल्दी से फोन करके बोलती हूँ कि मुझे ना एक न्यू बेसिन चाहिए, वो लगवा के दे देंगे मुझे। फोन कहाँ है? हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। हेलो, हाँ बेटा। पापा मैंने आपको कॉल लगाया था, आपके फोन में कोई और बात कर रहा था क्या? अरे ऐसे कभी कभी होता है, कॉल जब हो जाता है। अच्छा पापा, मुझे आपको एक चीज बोलना था। आपको तो पता है ना मेरा मेसिन कितना गंदा हो गया, हद से भी ज्यादा। तो ये बात मुझे अभी क्यों बोल रही है, क्या हो गया? देखो पापा, आप बाहर गए हो तो फिर आप मेरे लिए कुछ लेके भी आ सकते हैं। बेटा मैं अभी इस टाइम बहुत बिजी हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। पापा मुझे वो नहीं सुनना आपका ब्ला 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 ब्ला। मुझे ये काम है कि मुझे ये बेसिन चेंज करना है। ठीक है, मैं आने के बाद देखेंगे, फिर ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन से। मुझे अभी ऑफलाइन मार्केटिंग करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। पापा मैं आपको अभी ऑनलाइन अगर शॉपिंग करना पड़ेगा तो मुझे वीडियो भी बाद में बनाना पड़ेगा। मुझे वीडियो भी जल्दी बनाना है और मुझे एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बन जाएगा। आप मेरे लिए जल्दी से ऑफलाइन मार्केट से बेसिन लेके आ जाओ जल्दी से। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। और हाँ, वो भी वर्किंग होना चाहिए, ये नकली वाला नहीं। ऐसा वाला कहाँ मिलेगा अभी? पापा मिल जाएगा, अब जहाँ गए वहाँ पे अवेलेबल है। एंड आई डोंट वांट टू हियर मोर ब्ला ब्ला ब्ला। अब जल्दी से लेके आ जाओ। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ओके पापा, अब जल्दी से लेके आ जाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अब जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ तो इसको मैं इधर फिट कर दूंगी। ओके ओके बाय। आप कितने बजे आ रहे हो? वो तो मैं कह नहीं सकता बेटा। पापा अभी एक घंटे या फिर आधे घंटे में आ जाओ लेके, ठीक है? थोड़ा लेट होगा बेटा। ओके आई विल टॉक यू लेटर ब्ला ब्ला ब्ला। तो जल्दी से इसे क्लीन कर लेते हैं।
मेरा बेसिन क्लीन तो हो गया, पापा अभी तक आए क्यों नहीं? जल्दी उन्हें फिर से कॉल कर। हेलो हेलो रॉन्ग नंबर। हेलो हाँ बेटा बोलो। पापा आप कितने बार अपना फोन जंप करा रहे हो आप? अरे शॉपिंग हो गया बेटा, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से एक, आपने जो बोले था ना वो प्लेसेट। कौन सा प्लेसेट बताओ? था बेसिंग वाला। हाँ वो फंक्शनल वाला लेके आए हो ना? अरे पूरा फंक्शनल वाला ही लेके आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं अब चेक करके आ रहा हूँ। और हाँ बैटरीज भी लेके आना, बिना बैटरीज लगा के अब चेक कर रहा बेटा, बैटरीज के साथ लेके आऊंगा। हाँ बाबा जल्दी लेके आओ, मैंने तो क्लीन भी कर लिया ऐसे लगाने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है आ रहा हूँ मैं। अरे पापा मैं एक तो चीज भूल, अच्छा ठीक है मैं आपको बाद में कॉल लगाती हूँ। तो जल्दी से पहले इसे तो निकाल दें। ओ पापा ने कैसे लगाया था मुझे आज तक नहीं पता। चलो जल्दी से निकाल देते हैं। चलो अब मम्मी डांटे इससे पहले मैं सब कचरा को फेंक के आती हूँ। 100 बार से भी ज़्यादा मैंने इस बेसिन को क्लीन कर लिया है, क्या गया वैसे लगा लेते हैं। वो तो गया, कितने बार क्लीन करूँ मैं इसे। मेरा डिस्पेंसर भी तोड़ के चले गई, मैंने छोड़ूंगी उस कुत्ती को। लगते पापा आ गए, जल्दी जाके दरवाजा खोलती हूँ। हाय बेटा। हाय पापा, मेरा सेट ये लो। वाह दिखा जल्दी। वाह ये कितना सुंदर है, लेके ओपन करते हैं इसे। अरे बुद्धू तू भूल गए कि तेरा YouTube चैनल है। सॉरी फ्रेंड्स मैं आपको भूल ही नहीं पा रहा। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। अरे मैं भी ना देखो यही था मेरा स्टोरी कि मुझे ये सिंक प्लेसेट कैसे मिला। आपको पता है मेरा बेसिन बहुत हद से भी गंदा हो गया था और पापा को रिक्वेस्ट करते करते नाक थकते हुए मैं मेरे सच्चाई की तरफ बढ़ते रही और मुझे फाइनली ये सेट मिल गया। ये फंक्शनल बेसिन सेट है। चलो जल्दी से जाके इसका अनबॉक्सिंग भी करते हैं। तो आ चुके हैं हमारे हॉट सीट पे। मतलब ऐसे नहीं बोलते कौन होने का करो उस पे। तो आ चुके हैं हमारे प्लेस में जहाँ हमारा ज्यादातर अनबॉक्सिंग होते रहता है। और उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहती हूँ जो कि मुझे एक आंटी ने दिया है। वो मेरे वीडियोस भी देखते हैं और उन्होंने जो मेरा एक अनबॉक्सिंग देखा क्राफ्ट किट का, बाद में उन्हें आइडिया है कि मुझे ये बना के देना चाहिए और उन्हें आई थिंक क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे ये दिया है। सो ये आई थिंक एक अलमीरा दर्शा, तो इससे मैं डॉल हाउस में भी यूज कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो ये क्राफ्ट है देख सकते हो, अब तो ये मुझे भी इंस्पायर कर रहा है। तो वही अनबॉक्सिंग से इंस्पायर होकर उन्होंने बनाया और देखो आप देख सकते हो कितने अच्छे से उन्होंने एक बॉक्स के यूज करके बनाया है। ये एकदम फ्लावर लगाया है और देखो अंदर से पार्टीशन भी है। तो आई थिंक इसे मैं डॉल हाउस में यूज करूंगी, नहीं तो मैं मेरे कॉस्मेटिक रखने के लिए भी यूज कर सकती हूँ। अब मैं इसको ऐसे रखने वाली हूँ। इन्होंने भी इसको ऐसे डेकोरेट किया है, एक बॉक्स को ऐसे डेकोरेट किया। आई थिंक ये कौन सा बॉक्स आई डोंट नो, आई थिंक पर बहुत सुंदर है। ऐसे देखो मैंने आपको दिखाया था ना फोम वाला था, उनके पास सब क्राफ्ट का चीज है, इसलिए उन्होंने कितने सुंदर से बनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। सो थैंक यू आंटी फॉर गिविंग दिस गिफ्ट टू मी। और आपने खुद बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अभी आता है इसकी अनबॉक्सिंग की बारी। उससे पहले मैं आपको जल्दी से इसे शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर लेती हूँ बाहर से। सो दिस इज एन फंक्शनल बेसिंक जो कि आता है टू फॉर्म में, एक तो होता है पिंक या फिर एक होता है ब्लू, और मुझे मिला है ब्लू वाला मॉडल जो कि था नंबर WDR42 और ये P42 था, मुझे R42 मिला है। ठीक है अगर आपको पिंक कलर मिलेगा तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा और अगर आपको ब्लू कलर मिलेगा तो कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा। एंड ऑल्सो फॉर ईजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया भी गया है कि हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। अगर आपको ब्लू चाहिए, अगर आपको ब्लू मिलेगा तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, अगर आपको पिंक चाहिए तो इस फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज आप कलर देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपना बच्चा बहुत खुश हो जाएगा और मैं तो बच्ची नहीं रही पर मेरे को बहुत पसंद है इसे खेलना भाई। तो चलो लेट्स अनबॉक्स इट गाइस। चलो जल्दी से ओपन करते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। और अब फाइनली मैं मेरे किचन में रख पाऊंगी, कुछ सजा पाऊंगी। और ये फंक्शनल है तो हम बैटरीज भी चाहिए, तो पापा यहाँ पे बैटरीज ला के रखे हैं। जल्दी ओपन करते हैं। फाइनली ये ओपन हो चुका है, तो जल्दी से इसके सामान देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिला है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें मिला है एक ड्रेनर और बाद में हमें यहाँ पे मिला है ये एक स्टैंड। आई थिंक इसके अंदर हम लोग कुछ भी टंगा सकते हैं, टॉन्स यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसे रख सकते हैं जैसे कि स्पून या फिर क्लीनिंग वाला नहीं रहता हमें यूटेंसिल्स हमें मिलता है वो। और ये हमें मिला है ऑरेंज कलर में। अब जल्दी से इसे ओपन करते हैं, मेरे को लगता है नहीं पूरा हम, वैसे तो मेड इन चाइना होता है ये सब चीज़ें, बट यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है चाइनीज में, कुछ समझ रहे हैं आपको।
मतलब पर हमको भी इंग्लिश में दिया गया है ओवर डेंजर सफोकेशन, और हम छोटे बच्चे नहीं है जिसको सफोकेशन। यार ऐसे क्यों लिखते हैं यहाँ पे, बेबीज क्यों लिखा है, बड़े बच्चे भी तो खेल सकते हैं। लेट्स ओपन इट गाइस। सो बिकॉज मुझे बहुत पसंद है इससे खेलना, तो इसलिए मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर डालते हैं। पर इसको दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये है पूरा सरफेस बेसिन का। यहाँ पे हमें टू यहाँ पे ड्रेनर मिले हैं। आई थिंक सो पहला वाला ड्रेनर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हम लोग डिशेस वगैरह रख सकते हैं, और आई थिंक ये यहाँ पे रहेगा, इसको तो हम लोग बाद में ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे हमें कुछ स्टोन्स दिया गया, आई थिंक सो ये कुछ इधर रहेगा, पता नहीं इसके अंदर क्या रहेगा, हम लोग बाद में देख लेंगे। और आई थिंक यूटेंसिल्स वगैरह रहेगा। और यहाँ पे ड्रेनर होल्स इसलिए दिया गया है बिकॉज ये एक फंक्शनल है, यहाँ पे वाटर होगा तो वाटर बार बार आएगा। और हाँ, और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके अंदर आपको मिलता है प्लेसिंग। तो जल्दी से इसे ओपन करते हैं, इतना हार्ड है। ओह हे वाओ, इसके अंदर हमें मिला है ये बेसिन जो कि 180 का है, ये 180 डिग्री है तो इधर से इधर घूम सकता है। और ये है इसका स्विच, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, देखो। और बैटरीज इधर से लगेगा, आई थिंक बैटरीज हमें बैटरीज कहाँ से डालना, हाँ हमें यहाँ पे टू बैटरीज डालना, लो वाटर, यहाँ तक लो वाटर लेवल रहेगा, यहाँ तक हाई वाटर लेवल रहेगा, ये देखो अगर आप यहाँ तक स्क्रूज निकाल के आई थिंक हमें बैटरीज डालना है। और इसे बहुत ही प्रोटेक्शन दिया गया है बिकॉज ये फंक्शनल है, बैटरीज भी रहेगा, वाटर से बचाना भी है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और फ्रेंड्स ये इसलिए अच्छा मुझे लग रहा है बिकॉज इसके अंदर कोई भी होल्स नहीं है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा क्वालिटी का, यहाँ पे कोई होल्स नहीं है, तो पानी जो होगा वो पानी इधर ही रहेगा, जो अपना वो क्या बोलते हैं कंज्यूम करेगा, ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, कंज्यूम करेगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मतलब पानी इधर ही रहने वाला है। नेक्स्ट हमें मिला है स्टिकर्स जो कि बहुत ही अच्छा है, स्टिकर्स यहाँ पर बहुत कम से स्टिकर्स मिले, लगते हैं बहुत कम जगह लगाना है, इट्स ओके। तो जल्दी से हम लोग ये सामान निकाल के देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या मिला। तो हमें मिला है ये सारे सामान, चलो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है। ये एक रूम, ये देखो ये किचन में मम्मा के हमेशा बेसिन के पास में ऐसे बहुत सारे कपड़े लगे रहते हैं, मम्मा हमेशा बर्तन धोती है, बाद में क्लीनिंग करती है, हाथ क्लीन करके रखती है, और मम्मा 3 से 4 रखती है, मैं मम्मा को डेली देखती हूँ, इसमें बस एक ही दिया गया यार। नेक्स्ट देखते क्या मिला है। नेक्स्ट हमें मिला यहाँ पे ग्लास, यार मेरे पास बहुत कम ग्लासेस थे, देखो ग्लास आ गया है। वैसे मुझे कप्स तो बहुत मिलते रहते हैं, इसके अंदर हमें पर्पल कलर का कप भी मिला है जिसमें हम लोग टी पीते हैं और चाय तो हम लोग पीते ही हैं। मेरे पास ऐसे वाले कप्स बहुत है पर ऐसे वाले बहुत कम है इस साइज के, मुझे बहुत पसंद आया ये। मेरे पास ट्रांसपेरेंट है और मुझे कलरफुल पे मिल गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बाउल जो कि है ब्लू कलर का, आप डेकोरेशन देख सकते हो एकदम प्लेन है बट डिजाइन तो है ना भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें मिला है यहाँ पे प्लेट जो कि येलो कलर का, और ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मुझे कप बहुत अच्छा लगा। ये क्या बोलते हैं लिक्विड, हाँ लिक्विड सोफ नहीं रहता जो मम्मा हाथ में डालती है और उसे ब्रश करती है। अभी देखो हम लोग ऐसे डालते हैं और ये सूखा रूखा सा इसलिए बिकॉज हम लोग पानी से खेलने वाले हैं तो ये ब्रश भी एकदम अच्छे से काम करेगा। तो अभी मम्मी लिक्विड सोफ ऐसे डालती है, देखो ऐसे ऐसे डालती है, बाद में वॉश करती है। और मेरे को बहुत पसंद आता है सब चीज़ देखना पर मैं कभी नहीं करती, मैं करती हूँ बट मेरे को ऐसे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिला है कुछ स्पून, हमें मिला यहाँ पे स्पून फोक और यहाँ पे हमें मिला है नाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स, चलो देखते हैं इस वेजिटेबल्स को और इस टोकरी में रखते हैं। हमें मिला है यहाँ पे पटाटो, यहाँ पे हमें मिला है ये ब्रोकली, और ये क्या है बनाना, खीरा, और यहाँ हमें मिला है बेबी कॉर्न। यहाँ आपने देखा ना पिज्जा में नहीं डला हुआ रहता है छोटे छोटे से कॉर्न, यहाँ मैंने तो कभी कॉर्न वाला नहीं खाया, मैंने कभी बेबी कॉर्न नहीं खाया, मुझे एक बार ट्राई करना है। नेक्स्ट हमें मिला है यहाँ पे पपाया या फिर गुआवा बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिला है कैरोट्स, और फ्रेंड्स ये जो दिया गया है ये हमें जेनर के लिए दिया गया है। जैसे कि आपको पता है वाटर आता है और वाटर आने के बाद में यहाँ पे अगर आपको वाटर कलेक्ट करना है तो आप कलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कलेक्ट नहीं करना है तो आप इसे। जब मैं पानी डालूंगी तो आपको मैं करके दिखाऊंगी, अभी तो पानी नहीं है, इसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फ्रेंड्स इसको मैं अच्छे से पूरा फिक्स कर चुकी हूँ, आपने इससे पहले देखा होगा कि मैं आपको एक एक चीज अच्छे से दिखा रही थी, फिर अचानक मैंने जो सामान जो अचानक था वो इधर आ चुका है, आपको वाटर वाटर भी दिख रहा होगा और फिक्स भी बहुत सामान हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमारा माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका था तो उसमें मेरा आवाज चले गया था, तो इसे मैं फिर से शूट कर रही हूँ तो इसलिए मेरा ये आप देख सकते हो। तो बट कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगी कि इसे मैंने कैसे फिक्स किया है ये सब चीजों को, बट विदाउट वॉइस आएगा, बट तो आप फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए कि मैंने इसे कैसे रखा है। यहाँ पे आप अच्छे से इसे हैंगर हैंग कर सकते हो, ये एक हैंगर है और स्टिकरिंग वर्क भी मैंने किया है वो तो आप देख ही सकते हैं।
ये देखो ये सब हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी, मैंने इधर तक ही दिखा के मैं बस रह गई थी बिकॉज माइक खराब हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई आपको। अगर अच्छे से आपने दिखा होगा तो तो चलो जल्दी से इसके अंदर बैटरी इंसर्ट करते हैं। तो जल्दी से इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। चलो देखते हैं ऑन करके कैसे आवाज आता है। वाओ सुपर्ब यार, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है। चलो अब जल्दी से इसके अंदर वाटर डालते हैं और इसका काम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी अच्छे से डाल दिया है और अभी हम लोग इसका वर्क देखेंगे। तो चलो देखते हैं। वाओ देखिए फ्रेंड्स अच्छे से, जल्दी से हाथ धो के देखते हैं एक बार। वाओ हाथ धो सकती हूँ, ये देखो छोटी बच्ची खेल रही है। चलो जल्दी से वेजिटेबल वॉश करते हैं। देखो मैं मार्केट से कुछ सब्जियां लेके आई हूँ, जल्दी वॉश करते हैं। चलो आज मेहमान आने वाले खाना खाने के लिए ना, बहुत खाना लाया मैंने पता है। वाओ चलो डिशवॉशर से तो सब्जी नहीं कर सकते ना साफ, तो चलो जल्दी से इसको साफ करते हैं। चलो क्लीन। ये कितना मस्त है ना। और हाँ फ्रेंड्स ये देखो सब जगह ड्रेनर दिया गया, अगर पानी भी गया तो इधर आ जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स आप। चलिए फ्रेंड्स इसे मैं मेन मोटिव मेरा था कि मैं इसे किचन में इंसर्ट करूंगी, तो जल्दी से चलते हैं हम और मेरे किचन में इसे इंसर्ट करते हैं मेरे वॉश बेसिन की जगह। चलिए चलते हैं, बहुत भारी है, गिर ना जाए। चलो अब जल्दी से इधर प्लेस करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, प्लीज होप कि इसी प्लेस में आ जाए, इसी स्पेस में मेरा ये बेसिन अच्छे से आ जाए, तो फिर सब कुछ अच्छा है भाई। थैंक गॉड, जितना ऑक्यूपाई हुआ था मेरे बेसिन के लिए स्पेस, उतना ही यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है देखो। और हाँ होप कि गिर ना जाए बस। मुझे तो उसके लिए टेंशन आ रहा है। और रहा बात मेरे ये बेसिन का, तो ये तो स्पेस अच्छे से आ चुका है और पापा भी इसे क्राफ्ट क्राफ्ट से फिक्स कर ही देंगे और एकदम फिट हो जाएगा। और आप भी मुझे इसके कुछ प्रेजेंट प्ले के आइडियाज भी दे सकते हैं। और अगर आपको भी वीडियो चाहिए कि पापा इसे अच्छे से कैसे फिक्स करते हैं अपने क्राफ्ट से, तो मुझे जल्दी से कमेंट से बताना। मैं आप सभी को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।